हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सजल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सजल स्ट्री जॉन हम लोग आ गए फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग इस वीडियो में क्योंकि तो हम लोग इन दिनों जो है हिंदी व्याकरण की कुछ चीज़ों के बारे में देख रहे हैं तो इस वीडियो में देखेंगे क्रिया क्या है और ज़्यादा डिटेल्स के साथ नहीं शॉर्ट फॉर्म में ही हम लोग इस वीडियो को देखेंगे क्रिया क्या है क्रिया के कितने भेद हैं ठीक है कितने प्रकार होते हैं उन सब के बारे में और उनका नाम क्या क्या है तो चलिए इस वीडियो के दोस्तों क्रिया जो होता है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं क्रिया क्या है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं जैसे पढ़ना खाना पीना इत्यादि कोई भी कार्य हम करते हैं तो वह क्रिया के अंतर्गत आता है क्रिया का अर्थ ही होता है करना देखिए क्रिया का अर्थ क्या होता है क्रिया का अर्थ ही होता है करना ठीक है इसे दो आधार पर इसके इसके पार्ट्स को बांटा गया ठीक है रचना के आधार पर क्रिया के भेद अलग होते हैं और कर्म के आधार पर अलग होते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं चार भेद होते हैं रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं संयुक्त क्रिया नाम धातु क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया और कर्म के आधार पर जो होता है क्रिया के दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर एक का नाम है सकर्मक क्रिया दूसरा का नाम है अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्या होता है जिस क्रिया का फल जो तो होता है कर्म पर पड़े ठीक है ठीक है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं अकर्मक क्रिया है जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर ना पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं अब जैसे कोई सेंटेंस है जैसे अध्यापक पुस्तक अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है ठीक है एक सेंटेंस है इसमें कैसे पता करेंगे यह मान लीजिए इसमें तो दिया हुआ है यह सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल के रूप में अब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है अध्यापक पुस्तक पढ़ा रही है कहीं लिखा हुआ है उसमें कैसे पता करेंगे यह सकर्मक क्रिया है इसमें क्या अकर्मक क्रिया का यूज है तो इसे पता करने के लिए हम क्या या तो दोस्तों पता इस टाइप से करना है कि क्या या किसको ये दोनों एक वर्ड है दो वर्ड है क्या या किसको तो इन दोनों से ना उस लाइन पे क्वेश्चन उठाना है जैसे कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है तो अध्यापिका क्या पढ़ा रही है तो पुस्तक पढ़ा रही है अगर आपको आंसर मिल गया तो समझिएगा वह सकर्मक क्रिया अगर आंसर नहीं मिला तो समझिएगा अकर्मक क्रिया अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है क्या पढ़ा रही है पुस्तक पढ़ा रही है या किसको पढ़ा रही है तो बच्चों को पढ़ा रही होगी तो इसका आंसर मिल गया सकर्मक क्रिया होगा या अगर है मान लीजिए सेब लाल है अगर दूसरा एग्जाम्पल है ऐसा सेब लाल है तो क्या लाल है किसको लाल है आंसर तो नहीं मिला आप लोगों को क्या लाल है ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्या लाल है किसको लाल है तो यह अकर्मक क्रिया हो गया सेब लाल है तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया तो क्या या किसको से प्रश्न करके हम पता कर सकते हैं वह सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया तो क्रिया के क्रिया तो इस वीडियो में जाने दोस्तों क्रिया क्या है और उसके कौन कौन से पार्ट हो होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में शॉर्टली इस वीडियो में हम लोग जाने वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा पिछला वीडियो जो था तो हमारा वह व्याकरण और भाषा पर था शॉर्ट के रूप में ही तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा धन्यवाद